विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 3,62,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 4,126 मरीजों की जान महामारी की वजह से चली गई। देश में एक्टिव केस भी 37,06,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 3,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर गए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई और इसे तेज करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया गया। बैठक में उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद संक्रमण की स्थिति विस्फोटक हो गई है। कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना की हालत तो बेहद खराब है। कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट 48% और नॉर्थ 24 परगना में 44% तक पहुंच गया है, यानी लगभग हर दो में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है। राज्य के दूसरे जिलों में भी संक्रमण की रफ्तार जोर पकड़ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जहां कोरोना वायरस ने कहर बरपाया है, एएमयू से जुड़े 40 से ज्यादा लोग पिछले 23 दिनों में अपनी जान गंवा चुके, वहीं शहर के महावीरगंज बाजार में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे। लोग इतनी ज्यादा संख्या में थे कि यहां जाम जैसे हालात बन गए। वहीं बाजार में लोगों की भीड़ पर पुलिस प्रशासन से पल्ला झाड़ रहा है और सख्ती से नियम पालन करवाने की जगह नियम तोड़ने वालों का चालान काटकर खानापूर्ति कर रहा है। बक्सर में गंगा नदी में मिले शव पर बिहार और यूपी के बीच तकरार जारी है। बक्सर जिला प्रशासन ने फिर दावा किया है कि चौसा में मिले शव यूपी के गाजीपुर से बहकर आए हैं। बिहार के अफसरों ने कहा है कि यूपी बिहार की सीमा पर उन्होंने गंगा में बड़े बड़े जाल लगाए हैं। जाल लगाने के बाद भी यूपी से आए कई शव उसमें फंसे मिले, इससे जाहिर हो गया है कि शव यूपी से बिहार आ रहे हैं। धनुष उठा प्रहार कर, तो सबसे पहला बार अग्नि से धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू झुके न तू। अमिताभ बच्चन ने गलती सुधारने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने गीतकार प्रसून जोशी को उनकी कविता का श्रेय दिया और इसे कोविड 19 वॉरियर को प्रोत्साहित करने वाला बताया। इससे पहले अमिताभ ने इसे अपने बाबूजी की पंक्तियां करार दिया था।